नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। हाजिर हूँ मैं एक स्टोरी के साथ जो कि काफ़ी लंबी है। तो स्टोरी का टाइटल है द टाइगर, अ ट्रू स्टोरी ऑफ वंजियंस एंड सर्वाइवल। दोस्तों, कई दिनों से, बल्कि यूँ कहिए कई महीनों से, या हो सकता है एक साल से पहले से भी आप लोग मुझे सुझाव दे रहे थे बार बार इस स्टोरी को नैरेट करने के लिए। मेरे पास इसकी PDF बुक तो रखी थी, लेकिन क्योंकि स्टोरी बहुत बड़ी है, लंबी है, तो उसको पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, उसको समझने के लिए टाइम चाहिए, उसके बाद ही ये स्टोरी नैरेट की जा सकती है। तो मुझे लगता है कि और जो स्टोरीज थी जो कंपैरेटिवली छोटी थी वो मैंने काफ़ी नैरेट कर चुका हूँ, तो अब ये लंबी स्टोरी शुरू करता हूँ जो कई पार्ट्स में बनेगी। तो आज शुरुआत करते हैं इसके। दोस्तों, ये स्टोरी लिखी है जॉन वेलेंट की। जॉन वेलेंट मैक्सिकन व्यक्ति थे, वो रशियन नहीं थे, न तो उनको रशियन लैंग्वेज आती थी, और वो खुद कहते हैं कि वो रशिया के एनवायरनमेंट को भी समझते नहीं थे, लेकिन उन्होंने ये साहस किया ये बुक लिखने का, जो कि बेसिकली एक स्टोरी है रिलेटेड एक व्यक्ति के बारे में जिसका नाम है यूरी ट्रस। तो जॉन वेलेंट ने जब ये स्टोरी लिखी, जब एक बुक लिखी, तो जाहिर है बुक लिखने से पहले आपको बहुत सारी रिसर्च करनी होती है, बहुत सारी पढ़ाई करनी होती है, जानकारी इकट्ठा करनी होती है। तो उनके लिए एक बड़ी चुनौती थी इस स्टोरी के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, क्योंकि यह घटना घटित हुई थी साइबेरिया के इलाके में, रशिया के इलाके में, और रशिया में जो रशिया का फार ईस्ट है उस इलाके में यह घटना घटित हुई थी। और वहाँ जितने भी लोग थे जो भी इस घटना के बारे में जानते थे, जो भी जॉन वेलेंट की मदद कर सकते थे, वो सारे रशियन ही थे और रशियन लैंग्वेज ही समझते थे। तो जॉन वेलेंट ने अपनी बुक में कई लोगों के नाम दिए हुए हैं जो बेसिकली रशियन हैं, और कुछ उसमें से ऐसे हैं जो रशियन और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज समझते हैं, उन्होंने इनकी सबसे ज़्यादा मदद की। तो ट्रांसलेटर्स की मदद से उन्होंने ये सारे की सारी घटनाओं को इकट्ठा किया, जोड़ा और एक किताब के फॉर्म में उसको लेके आए और उसके बाद हमारे सामने प्रस्तुत किया। और ये जो स्टोरी उन्होंने लिखी है, जैसा कि मैंने कहा कि ये साइबेरियन रीजन की है जहाँ टेम्परेचर माइनस में रहता है, और ये जो इलाका है लुचेगोस का इलाका, उस इलाके में ये लुचेगोस के एक मिडिल साइज़ का टाउन है जहाँ पर यूरी ट्रस रहा करते हैं, जो कि एक टीम जो उनकी बनी हुई है उस टीम के हेड है। तो दोस्तों, इस किताब की जो प्रस्तावना लिखी है जॉन वेलेंट ने वो भी काफ़ी रोचक है। उसमें वो लिखते हैं कि चांदनी छिटकी हुई है उस इलाके में जहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, चारों तरफ पेड़ भी हैं क्योंकि वो घना जंगल भी है, उस इलाके का सबसे घना जंगल है वो, वहाँ देवदार के, बांस के, पॉपलर के पेड़ हैं चारों तरफ। और ऐसे माहौल में, जबकि चारों तरफ खामोशी छाई हुई है, दिन ढल गया है और चांदनी छिटकी हुई है, तो एक व्यक्ति आ रहा है अपने केबन की तरफ वापस, उसके साथ में कुत्ता है। कुत्ता आगे आगे चल रहा है, शायद वो खुश है क्योंकि दिन भर वो अपने मालिक के साथ उस इलाके में व्यस्त था, और अब उसे लग रहा है कि घर जा रहे हैं। जाहिर है घर तो सभी को अच्छा लगता ही है, और इस खुशी के मारे वो आगे आगे चल रहा है, और पीछे ये व्यक्ति है जिसने कपड़े भी कोई बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहन रखे हैं, जाड़ों के हिसाब से काफ़ी गर्मी देने वाले कपड़े नहीं हैं, और उसके पैर में जो जूते हैं वो भी उस माहौल के लिए बहुत अच्छे नहीं हैं, रबर के पतले जूते हैं। उसकी जो बंदूक है वो भी कंधे में लटकी हुई है, और उस इलाके में वो लंबे समय से रहता आ रहा है। अब जब वो चल रहा है तो सिर्फ आवाज़ सुनाई दे रही है उसके पैरों की, उस स्नो में वो चल रहा है। अब चूंकि उस इलाके से पूरी तरह से वाकिफ है वो, लिहाजा सिर्फ रोशनी नहीं बल्कि अपने अनुमान से भी वो चल रहा है। चलते चलते उसे
ये भी ध्यान आ रहा है कि अभी मैं केबिन में पहुंचूंगा, अंदर पहुंच के आग जलाऊंगा, हाथ सेकूंगा, केतली में गर्म पानी रखा है, चाय बनेगी, चाय पीऊंगा, सिगरेट पीऊंगा। तो शायद यही सारे सवाल उसके दिमाग में आ रहे होंगे, क्योंकि वहाँ पर जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ठंड है, और कोई भी ऐसी वस्तु, कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट जो उस ठंड को चुनौती देने वाला है, उसकी कल्पना ही व्यक्ति वहाँ पर कर सकते हैं। इसी वजह से यही चीज़ इस व्यक्ति के बारे में भी इमेजिन की है लेखक ने, और इस प्रकार चलते हुए वो व्यक्ति केबिन के पास में पहुंच गया। अपने वहाँ पर अचानक उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती, सिर्फ उसे ही नहीं उसके कुत्ते को भी, और दोनों चौंक जाते हैं। चौंक ही नहीं जाते हैं, बिल्कुल आशंकित हो जाते हैं, क्योंकि वो आवाज़ उन्हें डरावने लगती है। अभी तक उन्हें लग रहा था कि ये आवाज़ केबिन के पास से आ रही है, लेकिन अचानक ये लगने लगा कि आवाज़ चारों तरफ से आ रही है। उसके बाद क्या हुआ, इसको हम इस कहानी में आगे जानेंगे। इसी बुक में एक स्टेटमेंट यूरी ट्रस्ट का भी है। यूरी ट्रस्ट कौन थे उनके बारे में भी विस्तार से हम आगे को जानते रहेंगे। हालांकि एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैंने शुरू में उनका दे दिया कि वो वहाँ एक टीम थी, जिस टीम को टाइगर्स की टीम भी कहा जा सकता था। उनका काम वहाँ पर था इलीगल पोचिंग को रोकना। तो यूरी ट्रस्ट ने ही इसी बुक में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जिसमें लिखा हुआ उन्होंने कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये जो कहानी यहाँ पर बताई जा रही है ये सत्य नहीं है, बल्कि दिमाग की इमेजिनेशन से, लेकिन ये कोई इमेजिनेशन नहीं बल्कि सच्ची कहानी है। तो कहानी शुरू इस प्रकार होती है कि 5 दिसंबर 1997 के शाम को अंधेरा होने के बाद इनके पास एक कॉल आती है, इसके पास, यूरी ट्रस्ट के पास, जो कि लुचेगोस्क में रहते हैं, और जो व्यक्ति उनको दूसरी तरफ फ़ोन पे है उनको जो बात बता रहा है वो बड़ी डिस्टर्बिंग है। लुचेगोस्क से करीब 60 मील की दूरी पर एक दूसरा इलाका है जिसे बोलते हैं प्रिमोरिया, उसके पास में एक लोबोनोई, एक लॉगिंग कम्युनिटी रहती है, उस कम्युनिटी के एक मेंबर पर अटैक हुआ है। क्योंकि हालांकि वहाँ पर ह्यूमन बीइंग पर अटैक किया गया था और टाइगर इन्वॉल्व था, इसलिए यूरी ट्रस्ट को यह फ़ोन किया गया था। यूरी ट्रस्ट जो थे वो एक इंस्पेक्शन टीम के लीडर थे, उस इलाके में इंस्पेक्शन टीम्स बनाई गई थी फॉरेस्ट में जो क्राइम होते हैं उनको, उनकी देखरेख के लिए, उनको रोकने के लिए, और स्पेशली जिन क्राइम्स में टाइगर से इन्वॉल्व थे। यूरी ट्रस्ट ने प्लान बनाया कि नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ से निकलेंगे अपनी टीम के साथ। उनकी टीम में दो लोग और थे, एक का नाम था गोरवरुको और दूसरा का नाम था लाजोरेंको। ये सबके सब लोग जो थे ये पहले फौज में रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर ये लोग जो फॉरेस्ट क्राइम के लिए जो टीम अपॉइंट थी उसके मेंबर्स थे। तो यूरी ट्रस्ट अगले दिन इन दो साथियों के साथ उस तरफ चल पड़े अपने 20 साल पुराने आर्मी के ट्रक में। ये आर्मी का ट्रक था जो पहले आर्मी यूज करती थी, उसके बाद नीलामी में इसे बेच दिया, तो फिर इन लोगों ने ले लिया, उसको कुछ मॉडिफाई किया गया अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग, और उसका नाम उन्होंने रखा था कंग। और ये लोग उस वातावरण के हिसाब से पूरी तरह से इक्विप्ड थे, जो ड्रेस इन्होंने पहनी थी वो इंसुलेटेड थी ताकि माइनस में जो टेम्परेचर है वो इनके लिए जानलेवा ना हो, उसमें ये आराम से काम कर सकें। उसके अलावा जो भी फायर आर्म्स चाहिए थे, जो भी वेपन्स इनको चाहिए थे, वो भी इन्होंने अपने साथ रखे थे। उसके अलावा वीडियो कैमरा भी रखे थे, और अपने पूरे साजो सामान के साथ ये लोग घटनास्थल की ओर चल पड़े। गाड़ी को गुरुगुरु को ड्राइव कर रहे थे। इस प्रकार चलते चलते वो इस टाउन के बॉर्डर के इलाके में पहुँचे। तो इन पूरे सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रख के उन्होंने खाने पीने का भी सामान पूरा रखा था, और उसके अलावा
अगर मैकेनिकल फेलियर हो जाए कहीं पर, तो उसके बावजूद भी कुछ दिन तक वो उस एक्सट्रीम इलाके में सरवाइव कर सकें, यह सोच कर उन्होंने सारा सामान साथ में रखा हुआ था। प्रिमोरिया, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वो चाइना बॉर्डर और सी ऑफ जापान के बीच में स्थित है इलाका, उस इलाके में घने जंगल भी हैं, खूब वन संपदा है, और उसके अलावा साइबेरियन टाइगर्स भी उस इलाके में काफ़ी बड़ी मात्रा में थे उस टाइम पर। लॉगिंग, फिशिंग और हंटिंग, बेसिकली ये तीन तरह की इंडस्ट्री वहाँ फल फूल रही थी, और जिसमें बहुत ज़्यादा क्राइम था, बहुत ज़्यादा इलीगल काम वहाँ पर होते थे। दोस्तों, राइटर का कहना है कि वन ऑफ द नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ पेरेस्ट्रोइका, तो दोस्तों पेरेस्ट्रोइका जो है वो एक एक व्यवस्था थी जो मिखाइल गोर्बाचोव ने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की थी। मिखाइल गोर्बाचोव सोवियत यूनियन के राष्ट्रपति हुआ करते थे, उस समय यूएसएसआर हुआ करता था, रूस उसका एक पार्ट था। तो यूएसएसआर में गोर्बाचोव ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट दो व्यवस्थाएं लागू करने की कोशिश की। उसका बेसिक रीज़न ये था कि रशिया में कम्युनिस्ट शासन था, तब तक सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल था। उसे गोर्बाचोव थोड़ा सा ओपन करना चाहते थे, इकोनॉमिक ओपननेस, यानी कि चीज़ों को आउटसोर्स किया जाए, लोग जो सक्षम हैं वो अपने बलबूते पे इंडिविजुअली कुछ काम करें, हर चीज़ के लिए सरकार पर डिपेंडेंट नहीं रहे। सरकार पे ओवर डिपेंडेंसी भ्रष्टाचार को जन्म देती है, जैसा कि आज तक आप लोग नोटिस करते होंगे। जब हम छोटे थे उसमें अगर टेलीफोन कनेक्शन लेना होता था तो MTNL, BSNL ये संस्थाएं थी, इनके पास जाते थे, तो बड़ी मुश्किल होती थी, कई चक्कर लगाने होते थे, कई लोग हो सकता है रिश्वत भी देनी पड़ती थी, उसके बाद जाके कुछ लोगों के टेलीफोन लग जाते थे, तो जिनके लग गए वो बादशाह बन गए। और आजकल आप देखते हैं किसी भी दुकान में जाके आप मोबाइल कनेक्शन ले लीजिए, यानी कि काम बहुत आसान हो गया इस पर्टिकुलर एरिया में। यही हर एरिया में होता है, जो भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, चाहे अमेरिका है, UK, फ्रांस, जर्मनी, इनमें चीज़ें लिबरलाइज हैं, यानी कि प्राइवेटाइज चीज़ें, तो लोगों को चीज़ों को लेने में दिक्कत नहीं होती। जबकि रशिया और चाइना में ये बड़ी प्रॉब्लम थी। चाइना में भी 80s तक हर चीज़ गवर्नमेंट कंट्रोल थी और करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो 80s में चाइना ने थोड़ा रिफॉर्म्स किए, अपनी बिजनेस को प्राइवेट लोगों के लिए खोला और प्राइवेटाइजेशन शुरू किया बहुत हद तक। अब वहाँ पर प्राइवेट जो हैं इंडिविजुअल उद्योगपति हैं, और इसके अलावा उन्होंने जो करप्ट ऑफिशियल थे उनमें से भी कईयों को फांसी की सजा तक सुनाई। उसके बाद आप 80 से देखिए चाइना का उत्थान शुरू हुआ, अब तक बढ़ता ही जा रहा है। तो रशिया में भी यही कुछ करना चाहते थे वो, लेकिन कई बार क्या होता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, तो वही चीज़ इस इलाके में हो रही थी। प्रिमोरिया के इलाके में लॉगिंग यानी कि जंगलों को काटा जा रहा था, प्राइवेट ठेकेदार थे। उसके अलावा उस इलाके में फिशिंग होती थी, समुंदर का इलाका था, और सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ जो वहाँ पर हो रही थी वो थी टाइगर्स की हंटिंग। बहुत बड़ी संख्या में टाइगर्स को इलीगली मारा जाने लगा, और उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं टाइगर्स के, वो सारे के सारे स्मगल किए जाते थे चाइना को, क्योंकि चाइना बॉर्डर से लगा हुआ था। चाइनीज़ मेडिसिन्स में टाइगर्स के पार्ट्स की बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, टाइगर्स के पार्ट्स, लिहाजा वहाँ टाइगर्स को लोग मारते थे और चाइना के बाज़ार में बेचते थे, वहाँ के ठेकेदारों को या वहाँ के जो जो भी लोग उनसे डील करते थे उनसे। इस तरह वहाँ पर उस इलाके में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ा था, जिसकी वजह से कुछ इंटरनेशनल संस्थाओं ने फंड करके एक टाइगर्स की टीम बनाई थी। टाइगर्स मतलब ये जो लोग थे, यूरी ट्रस्ट और उनके साथ के लोग, इस तरह के 6-7 टीमें उस इलाके में काम करती थी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उस इलाके में इस तरह के जो क्राइम हो रहे हैं, इलीगली टाइगर्स को मारा जा रहा है या और जानवरों को मारा जा रहा है, इलीगली जंगल में पेड़ों को काटा जा रहा है,
इन क्राइम्स को रोकने के लिए ये टीमें बनी हुई थी। तो इसी सिलसिले में यूरी ट्रस्ट ने कई बार उस इलाके में छापे मारे थे, जिससे उन्होंने कई अवैध हथियार जब्त किए थे, कई पोचर्स को पकड़ा था, उनको सजा दिलवाई थी। इसी वजह से उन्हें यह भी पता था कि उस इलाके में कौन कौन से लोग इस तरह के काम करते हैं। तो अभी ये गुरुगुरु को गाड़ी को ड्राइव करते हुए ये लोग जंगल में जा रहे थे। वहाँ की जो बिकिन रिवर उस इलाके में बहती है उसके किनारे किनारे गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे। जॉन वेलेंट कहते हैं कि प्रिमोरिया के इलाके में 1992 से लेके 1994 तक 2 साल में करीब करीब 100 साइबेरियन टाइगर्स को मार दिया गया था इलीगली, जो कि वहाँ की टोटल टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है उसका करीब 1/3 था। तो यानी कि उस इलाके में जो अवैध क्राइम हो रहे थे उनमें सबसे ज़्यादा गाज गिरी थी टाइगर्स पे। तो उस इलाके में ड्रग्स की स्मगलिंग भी बड़े पैमाने पे होती थी। तो यूरी ट्रस्ट और उनकी टीम के अलावा जो और टाइगर्स की टीम्स थी उनका काम ये इलीगल ड्रग्स जो वहाँ फैले हुए हैं उनको पकड़ना भी था। पेरेस्ट्रोइका के बाद रशिया में कहते हैं कि जो भी सरकारी चीज़ें थी उनमें बड़े पैमाने पर बहुत सारी चीज़ें सेल पे गई, और इनमें से बड़े पैमाने पर बेचे जाने वाले आर्मी के वाहन भी थे। तो उस इलाके में बहुत सारे लोगों ने आर्मी के ट्रक्स खरीदे थे पुराने, जो कि उस इलाके के लिए अच्छे वाहन थे। तो उस इलाके में चलने के लिए उनको बड़े बड़े टायरों वाले वाहन चाहिए और जो 4x4 हों। आर्मी के पास सारे ऐसे वाहन थे और उस इलाके में जो लोग खरीद सकते थे सबने ये वाहन खरीदे हुए थे। उसके अलावा आर्मी के एक्सप्लोसिव्स जो यूरी ने वहाँ छापों में पकड़े थे लोगों से, वो आर्मी से खरीदे हुए एक्सप्लोसिव्स भी थे जिनको लोग यूज़ करते थे मछलियों को मारने के लिए, तालाबों में ब्लास्ट करते थे उनसे, और जिससे बड़ी तादाद में मछलियाँ मरती थी। या उस इलाके में काम और करते थे लोग, जब कोई भालू किसी माद में चला जाए उसे बाहर निकालने के लिए उसमें ब्लास्ट करते थे, जिसके डर से भालू बाहर निकल के आता था। और उसके अलावा फायर आर्म्स थे आर्मी के, जो उस इलाके में किसी एक व्यक्ति ने बड़े पैमाने पर खरीद लिए और वो व्यक्ति गलत चरित्र का है, उसका काम है इलीगल काम करना या अवैध तरीके से संपत्ति इकट्ठा करना या जो सरकारी संपत्ति है उसको गलत तरीके से प्रयोग करना। तो जाहिर है वो अपने गैंग बना के उन लोगों में इन हथियारों को बांटते थे। तो यूरी ट्रस्ट ने इस प्रकार के कई हथियारों का जखीरा पकड़ा भी था। तो कहने का मतलब है कोई ऐसा जानवर, कोई ऐसा प्राकृतिक रिसोर्स जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है उसको इलीगली वहाँ से निकाला जा रहा है और उसे दूसरे देशों में स्मगल करके पहुंचाया जा रहा है, और ख़ास तौर से चाइना इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। जैसे जैसे ट्रस्ट की टीम जंगल में जा रही थी, डीप जंगल में जो रास्ता था वो रफ होता जा रहा था। इस प्रकार चलते चलते वह एक जगह पहुंचे जिसका नाम था वर्खली पेरेवल, जहां से उन्होंने एक व्यक्ति को अपने साथ में लिया जिसका नाम बुश था। वो बेसिकली एक पुलिसमैन था। तो चूंकि इस घटना में एक व्यक्ति इन्वॉल्व है जिस पर हमला किया गया है वो इंसान है, तो इस तरह की घटनाओं को विटनेस करने के लिए एक पुलिसमैन की ज़रूरत है। ये बुश कोई शिकारी नहीं था, लेकिन इसकी प्रेजेंस वहाँ पर सिर्फ इसलिए चाहिए थी क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है उसमें जिस पर हमला किया गया है। तो बुश को साथ लेने के बाद फिर ये लोग आगे चल पड़े। रास्ता रफ भी था, ठंडा भी था, और पूरे रास्ते में फ्रेश बर्फ़ पड़ी हुई थी। तो जो व्यक्ति उस इलाके में पहले गए हों सिर्फ उन्हीं को अंदाज हो सकता है कि उन्हें कहाँ जाना है या इस रास्ते की हालत कैसी है। अरार गोरबोरू को उस इलाके में बहुत घूमे थे, वो ड्राइव कर रहे थे, इस प्रकार वो आगे चलते जा रहे थे। बर्फीले इलाके में जहाँ फ्रेश बर्फ़ पड़ी हो तो जो व्यक्ति सबसे पहले जाता है उसकी
अपने आप में इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ पड़ी होती है, रास्ता कहीं दिखाई नहीं देता और पता नहीं चलता है कि जाना कहाँ है। लिहाजा जब तक कोई एक्सपीरियंस बंदा जो इस इलाके में रहता हो या अपने जीवन का एक अच्छा खासा हिस्सा उसने इस इलाके में न गुजारा हो, उसके लिए इन इलाकों में ड्राइव करना या उस इलाके में जाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो इन लोगों को इस प्रकार चलते हुए आफ्टरनून हो चुका था और जो आगे का 3 मील का रास्ता था, लास्ट 3 मील का रास्ता था, वो लॉगिंग वाला रास्ता था, यानी कि जो पेड़ों के लॉग्स हैं वो रखे हुए थे, उनको रख के रास्ता बनाया गया था। तो जाहिर है उसमें जब वो चला रहे थे तो उनकी गाड़ी बुरी तरह से उछल रही थी। तो जो भी यात्री उसमें बैठे हुए थे, जो भी व्यक्ति थे, उन सबकी हालत ख़राब थी, गाड़ी के साथ साथ वो उछल रहे थे और सबकी लगभग चीखें निकल रही थी। तो बहरहाल रास्ता तय हो गया और वो फाइनली ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पे गुरबुरुकोव ने टर्न लिया और एक जगह पे गाड़ी रोकी। गाड़ी जहाँ पे रोकी थी उसके दूसरी तरफ उन्होंने देखा एक केबिन बना हुआ है। तो ये लोग उतरे गाड़ी से और उस तरफ पहुँचे केबिन की ओर। वहाँ पर उनका जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था वो इस बात पर था कि वहाँ पर निशान क्या बने हैं, ट्रैक्स कौन से बने हुए। और जो एक केबिन बना था, ये केबिन एक व्यक्ति का था जिसका नाम मोरको था, और उसके सामने एक हैवी ट्रक पार्क था जो मोरको के दोस्तों का था, उसके मित्रों का था। अब यूरी ट्रस्ट का जो पहला काम था वो ये था कि उन्हें फाइंड आउट करना था कि जो एक घटना हुई थी उसके साइंस क्या हैं और उन्हें आगे क्या करना है। तो जाहिर है वहाँ पर उन्होंने ट्रैक्स को सर्च करना था। ट्रैक्स बहुत सारे थे लेकिन काफ़ी ढूंढने के बाद उनको दो ट्रैक्स ऐसे मिले जिन पर उन्होंने फोकस किया। पहला ट्रैक था जो रोड से केविन की ओर आ रहे थे, जो मोरको के होंगे क्योंकि वो इंसान के थे, और दूसरे ट्रैक थे जो नॉर्थ साइड से आके केविन की तरफ आए थे, वो एक टाइगर के ट्रैक थे और एक बड़े टाइगर के ट्रैक थे। जहाँ पर ये दोनों मिले थे वहाँ से उसके बाद फिर एक ट्रैक आगे जंगल की ओर चला गया था, वो सिर्फ टाइगर के थे, और जो दूसरे पग मार्क्स थे इंसान के वो वहाँ से ख़त्म हो चुके थे। तो जाहिर था घटना ऐसी थी कि वहाँ पर उस व्यक्ति को टाइगर ने मार दिया था और उसके बाद वो उसे दबोच के जंगल की ओर चल पड़ा था। से उन्होंने उस टाइगर के पग मार्क्स को फॉलो करना शुरू किया, जो कि एक तरह सा ड्रैग मार्क भी था, और वहाँ पे जो उसके पैरों के निशान थे वो कुछ और बड़े हो रहे थे। जाहिर था इस बार उसके पास भार रहा होगा जिससे उसके पैर स्नो में ज़्यादा धंस रहे थे, इसलिए निशान और गहरे हो रहे थे। धीरे धीरे वो आगे चले। यूरी ट्रस्ट के पास दो कुत्ते भी थे साथ में जो कि उनके साथ में थे, और उसके अलावा उन्हें एक और चीज़ें जो दिखाई दे रही थी वो दिखाई दे रहे थे, कौवे। कुछ दूर आगे पेड़ में कौवे बोल रहे थे, और ये इतने पक्के उनके संदेश वाहक होते हैं टाइगर की प्रेजेंस के जितने कि समुद्र में सीगुल होता है। तो जैसे कि समुद्र में कोई समुद्र का जहाज़ चलता है तो उनके साथ एक सीगुल चिड़िया होती है, वो समुद्र में उड़ती है, इधर उधर कहीं ज़मीन नहीं मिलती तो वापस आ जाती है, जो इस बात का इंडिकेशन है कि आसपास कहीं कोई ज़मीन नहीं है, समुद्र है। तो उसी तरह से ये जो कौवे बोल रहे थे उनसे इस बात का इंडिकेशन मिल रहा था उसी विश्वास के साथ कि आसपास कहीं ना कहीं कोई टाइगर है या कोई लाश है। तो लिहाजा यूरी ट्रस्ट ने अपने साथियों के साथ उस एरिया को फॉलो करना शुरू किया। उनके पास कैमरा था, बाकी जो उनके दो साथी थे उनके पास वेपन्स थे। अब उन्हें टाइगर कहीं दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जिस ढंग से उनके कुत्ते व्यवहार कर रहे थे उससे ये लग रहा था कि हो न हो टाइगर कहीं पास में। कुछ दूर आगे जाने पर उन्हें बड़ी विचित्र चीज़ दिखाई दी। वहाँ पर उन्हें
एक हाथ दिखाई दे रहा। इंसान का हाथ था, जाहिर था मोरक्कों का हाथ होगा, और एक सिर था। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जैसे किसी ने कोई तंत्र विद्या कर रखी हो। उसके बाद फिर उन्होंने आगे रेगमा को फॉलो करना शुरू किया। कुछ दूर आगे जाने पर जंगल के अंदर उन्हें मोरक्कों के रिमेन्स मिले। राइटर कहते हैं कि ट्रस्ट जो थे बिल्कुल हैरान थे उस व्यक्ति की हालत को देख के। बड़ी गरीबी की हालत थी उसकी, क्योंकि उसके तन पर इस माहौल के लिए कपड़े नहीं थे। इतनी ठंड यहाँ थी, बहुत पतले कपड़े उसके शरीर पर थे, और उसके बूट्स भी जो थे वो भी बहुत पतले थे। तो वहाँ पर कुछ उसके कपड़ों के अलावा एक बॉडी के रिमेन्स थे उसके कपड़ों के अंदर ही। कुछ कपड़ों से बाहर निकले थे, कुछ कपड़ों में थे, और कुछ खून वहाँ पर बिखरा हुआ था। अब समय काफ़ी हो गया था, शाम हो रही थी। तो जो यूरी ट्रस्ट के साथी थे वो अब आगे जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे, और वहाँ पर यूरी ट्रस्ट के जो डॉग्स थे वो जिस ढंग से व्यवहार कर रहे थे उससे ये लग रहा था कि वो टाइगर को स्मेल कर सकते हैं पास। अब यहाँ पर जब ट्रस्ट के ज़्यादातर जो साथी थे वो सब इस ओपिनियन में थे कि वहाँ से वापस जाया जाए, हालांकि ट्रस्ट के पास अभी टाइगर को मारने की परमिशन नहीं थी। उनका काम इन्वेस्टिगेशन करना था, और चूंकि वो अपॉइंटेड थे जंगल क्राइम के लिए, यहाँ पर एक क्राइम था जिसमें टाइगर इन्वॉल्व था, इसलिए उनको फ़ोन किया गया था। उनका काम था जंगल क्राइम को इन्वेस्टिगेट करना, और ज़्यादातर उनके काम ये थे जिनमें ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व थे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करना। लेकिन यहाँ पर स्थिति भिन्न थी। यहाँ पर एक जो शक उन्हें लग रहा था कि एक मैनीटर टाइगर था जिसने हमला किया हुआ था। तो टाइगर भले ही मैनीटर था, उसको मारने की परमिशन उनके पास नहीं थी। उसको मारने की परमिशन उन्होंने मॉस्को से लेनी थी। लेकिन उसके बावजूद भी यूरी ट्रस्ट ने डिसाइड किया कि वो इस टाइगर को ट्रैक करेंगे। आज तक उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं था, किसी मैनीटर टाइगर की ट्रैकिंग में गए नहीं थे, उसका पीछा नहीं किया था। और अब जब उन्होंने आज उसका पीछा करना है तो उन्हें ये भी पता था कि ज्यों ज्यों वो आगे बढ़ रहे हैं त्यों त्यों वो टाइगर के कंफर्ट जोन में जा रहे हैं, जहाँ पर स्थितियाँ टाइगर के फेवर में होंगी और उनके विपरीत होंगी। यह सब जानते हुए भी यूरी ट्रस्ट ने निश्चय किया कि वो रिस्क लेंगे और टाइगर को फॉलो करेंगे, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, ये था इस स्टोरी का पार्ट वन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जल्दी ही अगले पार्ट के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।